चुनाव से ठीक पहले हिमाचल की वीरभद्र सरकार चाय के बागानों के मुद्दे पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करने वाली है। हालांकि राज्य सरकार का यह कदम विवादों में घिरता नजर आ रहा है। खबर है कि सरकार की इस पहल का विरोध शुरू हो गया है। इसके पीछे 1972 का सीलिंग एक्ट बड़ा कारण है। कोटखाई गुड़िया मामले में आरोपी सूरज की हत्या को लेकर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार आईजी समेत 8 पुलिस कर्मियों को कोर्ट ने 3 दिन के अतिरिक्त रिमांड पर भेज दिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं तो हमीरपुर में हूँ। गौरतलब है कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के अधिकतम नेता तंत्र मंत्र की राजनीति में विश्वास करते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन राजनीति तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वीरभद्र सिंह बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें अपना चेहरा आईने में देख लेना चाहिए, फिर पता चल जाएगा कि तंत्र मंत्र की राजनीति में कौन फंसा है, बीजेपी या कांग्रेस। नगरोटा बगवां के हटवास में एक कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि मनरेगा योजना यूपीए सरकार की देन है, जिसकी बदौलत हजारों लोगों को रोजगार मिला है। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने नगरोटा बगवां के हटवास में मनरेगा की महिलाओं को वॉशिंग मशीन, साइकिलें और इंडक्शन चूल्हे वितरित किए। इस दौरान उन्होंने खुद साइकिल की जाँच की और उसे लॉन में चलाकर देखा। सोलन के विवादित बाबा अमरदेव पर प्रदेश की सरकार खास मेहरबान दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक इस विवादित बाबा का आईजीएमसी के स्पेशल वार्ड में इलाज हुआ और इसके बाद इसके बिल का भुगतान सीएम रिलीफ फंड से किया गया। पांवटा साहिब के यमुना नदी के पुल पर एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने क्रेन के जरिए मृतक को पुल के ऊपर खींचा। मृतक की पहचान 24 वर्षीय गोविंद पुत्र सुमेर चंद निवासी जामनीवाला पांवटा के रूप में हुई है। ठियोग कोटखाई सड़क एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग होने से पट्टी ढांग के पास बाधित हो गई है। इससे पहले ढली तारा देवी बाईपास शनिवार को पहाड़ी दरकने से अवरुद्ध हो गया था, जिसको अभी तक पूरी तरह से नहीं खोला जा सका है।